शाहरुख खान की फिल्म पठान का मुंबई सहित पूरे देश में मनाया गया जश्न, तो कहीं हिंदू संगठनों की तरफ से हुआ विरोध। फिल्म देखने के लिए थिएटर के बाहर लोगों की लगी भीड़, पुलिस अलर्ट। गणतंत्र दिवस को मुंबई पर हवाई हमले की साजिश, सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस अलर्ट। शिवाजी पार्क में किया जाएगा भव्य परेड। बांद्रा के गेटी गैलेक्सी सिनेमा के बाहर पठान फिल्म देखने के लिए पहुंचे काफी लोग। फैंस ढोल बजाते झूमते हुए काटते दिखे केक। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस तैनात। मनसनीय थिएटर मालिकों को दिया अल्टीमेटम, मराठी फिल्म लगाओ नहीं तो करेंगे आंदोलन। पठान के विरोध में उतरी राज ठाकरे की मनसे। महाराष्ट्र के पालघर जिले में पठान फिल्म का विरोध करने पहुंचे बजरंग दल के लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस बंदोबस्त के साए में चल रही है फिल्म। 30-31 जनवरी को कई इलाकों में होगी पानी की सप्लाई ठप। मरम्मत कार्य के चलते 9 वार्डों में जलापूर्ति पूरी तरह से रहेगी ठप। मुंबईकरों से पानी बचाकर इस्तेमाल करने की कर रहे हैं अपील। सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश भक्तों की दिखी भारी भीड़। सिद्धि विनायक मंदिर को फूल और लाइट से सजाकर गणेश जयंती के दौरान पूजा हवन किया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। परेड के मद्देनजर पुलिस ने जारी किया आदेश, शिवाजी पार्क के आसपास की सभी सड़कें रहेंगी बंद। पुणे भीमा नदी हत्या मामले में बड़ा खुलासा, चचेरे भाई ने पूरे परिवार की कर दी हत्या। भीमा नदी में एक के बाद एक मिले 7 शव, सामूहिक आत्महत्या के एंगल से की जा रही थी जांच। मुंबई से सटे नालासोपारा इलाके से आई बड़ी खबर। वाकनपाड़ा इलाके के एक इलेक्ट्रिक कंपनी में भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र में समय से पहले हो सकता है विधानसभा चुनाव। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने दिए संकेत, बोली लोगों में चिंता और भरोसे की कमी साफ दिखाई दे रही है। मुंबई एयरपोर्ट परिसर में उठी मंदिर बनाने की मांग। नासिक के पीठाधीश्वर अनिकेत शास्त्री देशपांडे ने सीएम को लिखा पत्र। महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस ने बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दिया क्लीन चीट। वीडियोस में ऐसा कुछ भी नहीं सामने आया जिसमें अंधविश्वास फैलाने जैसा दिख रहा हो। मवेशियों की सुरक्षा को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने मुंबई अहमदाबाद रेल लाइन के 622 किलोमीटर हिस्से में मेटल बीम फेसिंग का निर्माण किया शुरू। अगले 4-5 महीने में काम पूरा होने की संभावना। किंग ऑफ रोमांस को एक्शन मूड में देखने के लिए बांद्रा के सिनेमा हॉल के बाहर शाहरुख खान के प्रशंसक की दिखी भीड़। भारी विरोध के बाद देखने को मिल रही है भारी कामयाबी। मुंबई फायरमैन भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट के दौरान 147 उम्मीदवार हुए जख्मी। 5 की हड्डी में हुआ फ्रैक्चर। फायरमैन के 910 पदों के लिए 7532 कैंडिडेट पहुंचे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर केस दर्ज करने से नागपुर पुलिस ने किया इनकार। सामने आया श्याम मानव का बड़ा बयान, बोले पहले से ही ऐसे निर्णय की उम्मीद कर रहे थे। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे को 100 करोड़ की कथित वसूली मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत। इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कराई थी। जामिया यूनिवर्सिटी ने बीबीसी मोदी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने से किया इनकार। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर हंगामा करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 4 छात्रों को हिरासत में लिया। मुंबई के बांद्रा में एसी बेस्ट बस में लगी भीषण आग, सभी यात्रियों की सुरक्षित बचाई गई जान।